दोस्तों एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री ने जेट एयरवेज को सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी है और दोस्तों इसके बाद से ही एयरलाइंस अगले कुछ ही महीने में कमर्शियल फ्लाइट को फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है। दोस्तों पिछले गुरुवार को एयरलाइन ने एयर ऑपरेट सर्टिफिकेट हासिल करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया और हैदराबाद हवाई अड्डे से टेस्टेड फ्लाइट भी चलाई थी। दोस्तों पीटीआई के पत्र के हवाले से कहा गया है कि गृह मंत्री से मिली सुरक्षा मंजूरी के आधार पर अनुसूचित ऑपरेट परमिट के लिए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव के लिए सुरक्षा मंजूरी देने के लिए अपने आवेदन को संदर्भित करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों एविएशन रेगुलेटर DGCA को यह साबित करने के लिए पिछले गुरुवार की टेस्टिंग फ्लाइट ऑपरेट की गई थी कि विमान और उसके पार्ट सही तरीके से काम कर रहे हैं और गुरुवार को टेस्टिंग फ्लाइट के बाद एयरलाइंस को प्रूविंग फ्लाइट ऑपरेशन करनी है, जिसके बाद DGCA एयर ऑपरेट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। और दोस्तों जब जेट एयरवेज को ऑपरेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसके बाद से वो अपनी उड़ान सेवा को शुरू कर पाएगा। और दोस्तों इस खबर के आने के बाद से ही हमें जेट एयरवेज के शेयर में अपर सर्किट देखने को मिला है। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि जेट एयरवेज के शेयर कितने ऊपर तक जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ अपडेट जेट एयरवेज को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।